हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अजय नरवल और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं महिंद्रा की कार का रिव्यू देने वाला हूँ। क्या क्या इसमें फीचर्स मिलते हैं, क्या इसका इंटीरियर है और क्या इसका एक्सटीरियर, उसके बारे में हम पूरी बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं महिंद्रा की थार एलेक्स डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट है, फोर व्हील ड्राइव हार्ड टॉप के साथ में BS6। इसकी एक शोरूम प्राइस है 13,75,000 रुपये। देख सकते हैं इस तरह से कुछ दिखाई देती है फ्रंट से, बहुत ही मस्कुलर और अट्रैक्टिव दिखती है। काफ़ी बल्कि साइज है इसका, काफ़ी वाइड डिज़ाइन है, बहुत ही शानदार और रफ़ एंड टफ़ SUV है, जो कि हाईवे हो या ऑफ रोड हो या सिटी हो, आपको सब जगह चलाने में बहुत ही मज़ा आएगा। यहीं पर देख सकते हैं यहाँ आपको MHawk 130 की बैजिंग मिलेगी, जो कि 130 BHP की पावर जनरेट करता है, और सामने आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। टायर साइज़ की बात करें तो आपको 255x65 18 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं मस्कुलर डिज़ाइन के साथ में, और साइड से कुछ इस तरह दिखाई देती है। बहुत ही बढ़िया इसका लुक है, काफ़ी मस्कुलर और अट्रैक्टिव दिखती है। यहाँ पर फ्यूल फिलिंग के लिए आपको दिया गया है, और कुछ इस तरह से दिखती है महिंद्रा थार एलेक्स डीजल वेरिएंट है, ऑटोमेटिक फोर व्हील ड्राइव, और यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिलता है 18 इंच का, जो कि बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, देख सकते हैं। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो काफ़ी बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलता है आपको। ग्लोबली इसको NCP में 4 out of 5 स्टार रेटिंग मिली है, जो कि बहुत ही बढ़िया है सेफ्टी के हिसाब से। इसकी फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस तरह से दिखाई देती है, काफ़ी मस्कुलर और अट्रैक्टिव दिखती है। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हेडलाइट जो मिलती है हेलोजन हेडलाइट मिलती है, हेलोजन आपको इंडिकेटर मिलते हैं, और ऊपर आपको LED DRL मिलती है। नीचे आपको फॉग लैंप की प्लेसमेंट दी गई है, और यहीं पर आपको सामने महिंद्रा की बेजिंग मिलती है क्रोम में, और यहाँ पर आपको ग्रिल मिलती है, और यहाँ पर थार आपको लिखा हुआ मिलता है। और गाड़ी का जो बम्पर है वो आपको डुअल टोन फाइबर फिनिशिंग के साथ में मिलता है, जो कि इस बहुत ही बढ़िया दिखता है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखाई देती है। साथ ही आपको स्मार्ट फ्लिप की मिलती है, जिसमें लॉक अनलॉक और बजर के बटन की प्लेसमेंट है। सामने देख सकते हैं यहाँ पर आपको ORV मिलते हैं, और नीचे यहाँ पर थार की बेजिंग देख सकते हैं, जो कि क्रोम में है, और नीचे आपको पेडल्स मिलते हैं जो गाड़ी में आपको बैठने में मदद करते हैं। यहीं पर आपको 4x4 की बेजिंग मिलती है, और कुछ इस तरह से दिखाई देती है महिंद्रा थार। यहाँ पर आपको रेन वाइजर मिलते हैं ऊपर ही, और साइड से बहुत ही अट्रैक्टिव दिखती है गाड़ी। आइए देखते हैं अंदर से किस तरह से दिखाई देती है। डोर पर आपको कार्बन और प्लास्टिक की डुअल टोन फिनिशिंग मिलती है, देख सकते हैं थार लिखा हुआ है। ये गेट ओपनिंग लीवर, और यहाँ पर ORVM कंट्रोल, नीचे बोतल होल्डर मिलता है, और यहीं पर आप सामने देखेंगे तो यहाँ पर आपको AC इवेंट्स मिलेंगे, जो कि क्रोम और ब्लैक फेनोस फिनिशिंग के साथ में आपको इसकी फिनिशिंग दी गई है। अगर सीट की बात करें, इससे आप सीट की जो हाइट है वो एडजस्ट कर सकते हैं, सीट को रिक्लाइन कर सकते हैं, और सामने आपको यहाँ पर दो पेडल मिलते हैं, जो कि ब्रेक और एक्सीलेटर दिखता है, और यहीं पर सीट के नीचे आपको आगे पीछे करने के लिए ये लीवर दिया गया है। और देख सकते हैं यहाँ पर आपको लेदर और फैब्रिक टच सीट मिलती है, सामने आप देख सकते हैं जो कि केबिन है, और यहाँ पर आपको जो कंट्रोल्स मिलते हैं MID कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पर फुटस्टेप के पास में थार की बेजिंग, आइए देखते हैं अंदर बैठकर किस तरह की दिखती है थार। स्टेयरिंग के सेंटर में आपको महिंद्रा की ब्रांडिंग मिलती है, लेफ्ट साइड में आपको इंफोटेनमेंट कंट्रोल मिलते हैं, और राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल और वॉइस कमांड का बटन्स मिल जाते हैं, और इसको हम टिल्ट एडजस्टेबल कर सकते हैं स्टेयरिंग को। सामने आप देख सकते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो कि एनालॉग है, इसमें RPM मीटर और स्पीडोमीटर आपको एनालॉग मिलते हैं। 3.5 इंच की जो TFT स्क्रीन मिलती है आपको कलरफुल, देख सकते हैं कुछ इस तरह दिखती है। और जो थार का इंटीरियर है वो काफ़ी आपको प्रीमियम लगता है अंदर से, देख सकते हैं। सामने आपको
डैशबोर्ड मिलता है और यहीं पर आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसमें नेविगेशन, एंड्रॉयड ऑटो, कारप्ले, ब्लूटूथ रेडियो, मीडिया, कार इंफॉर्मेशन, इकोसेंस, ऑक्स, 2 USB पोर्ट और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको मिलता है। देख सकते हैं AC के बीच में आपको फाइबर फिनिशिंग दी गई है, फाइबर देख सकते हैं कुछ इस तरह दिखाई देती है और AC के आसपास आपको क्रोम और ब्लैक पियानो फिनिशिंग दी गई है। नीचे आपको थोड़ी स्पेस दी गई है, यहाँ पर आपको 4x2 4x4 की जो गियर दिया गया है उसकी प्लेसमेंट है। पास में आपको ऑटोमेटिक 6-speed ट्रांसमिशन गियर नॉब मिलता है, देख सकते हैं यहाँ पर पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइविंग और मैनुअल का भी मॉडल इसमें मिलता है। गियर नॉब के पीछे आपको दोनों गेट की पावर विंडो की बटन्स की प्लेसमेंट दी गई है। पीछे आपको यहाँ पर दोनों कप होल्डर मिलते हैं, यहाँ पर आप बोतल भी रख सकते हैं और ये हैंड ब्रेक देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखाई देता है इसका केबिन। आपको लेदर सीट्स मिलती है फैब्रिक टच के साथ में और को ड्राइवर साइड आपको डैशबोर्ड माउंटेड ग्रैब हैंडल मिलता है जो कि ऑफरोडिंग के वक्त काफ़ी हेल्प करता है और ग्लव बॉक्स ज़्यादा बड़ा नहीं मिलता, आपको थोड़ा स्पेस मिलता है, डिसेंट स्पेस है, उसमें आप कुछ भी सामान रख सकते हैं। और यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा की बेजिंग सीरियल नंबर और यहाँ पर AC वेंट्स दिए गए हैं नई डिज़ाइन में और इस तरह से कुछ दिखाई देता है डैशबोर्ड। यहाँ पर को ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर मिलता है और ड्राइवर साइड आपको केवल टिकट होल्डर ही मिलता है, देख सकते हैं यहाँ पर टिकट होल्डर और जो मिरर मिलते हैं वो आपको डे एंड नाइट मिरर मिलते हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्प करते हैं ड्राइविंग में, डे एंड नाइट मिरर मिलते हैं। और रूफ़ आपको हार्ड टॉप मिलती है, देखते हैं जो कि पीछे की सीट से उनमें आपको कितनी स्पेस मिलती है, जो कि फोल्डेबल सीट से जो आपको रियर सीट्स मिलती है वो फोल्डेबल मिलती है। पीछे की सीट्स पर आपको जाने के लिए यहाँ पर को ड्राइवर साइड आपको ऊपर की तरफ एक लीवर मिलता है जिसको आप पुल करके सीट को फोल्ड कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं पीछे की सीट्स पर, जो कि बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है क्योंकि इसमें 2 ही गेट है, उसके हिसाब से आपको सीट को फोल्ड करना ही पड़ेगा पीछे की सीट्स के ऊपर जाने के लिए और फिर आपको इस सीट्स को वापस से आप एडजस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका जो डैशबोर्ड है फ्रंट से वो दिखाई देता है, बहुत ही प्रीमियम लुक देता है जो कि एक रफ एंड टफ कार है उसके लिए ऐसा डैशबोर्ड बहुत ही बढ़िया लगता है। यहाँ पीछे आपको पॉकेट्स दिए गए हैं सीट के पीछे और आपको यहाँ पर लेदर सीट्स और फैब्रिक टच के साथ में सीट्स मिलती हैं और दोनों सीट्स के पीछे आपको पॉकेट्स मिलते हैं कुछ भी सामान रखने के लिए और साइड में आपको यहाँ पर ऊपर की साइड आपको ग्रैब हैंडल मिलता है और रूफ़ पर आपको यहाँ पर 2 स्पीकर और 2 ट्विटर मिलते हैं। गाड़ी में टोटल आपको 4 स्पीकर मिलते हैं और 2 ट्विटर मिलते हैं और AC आपको केवल पीछे की साइड से नहीं मिलते, केवल आगे की साइड से मिलते हैं और इसका जो रूफ़ है वो आपको हार्ड टॉप मिलता है। लेग्स के लिए आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है, देख सकते हैं इसका लेग रूम है वो काफ़ी बढ़िया है और हेड रूम भी आपको काफ़ी बढ़िया मिलता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बैठने में। और वापस से हम गाड़ी के बाहर आते हैं, देखते हैं इसकी जो रियल प्रोफाइल है वो किस तरह की दिखाई देती है, सीट्स को वापस हम एडजस्ट कर देंगे। महिंद्रा थार का जो ग्राउंड क्लियरेंस है आपको 226 mm का मिलता है जो कि ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी बढ़िया है। इस तरह से कुछ इसकी रियर प्रोफाइल दिखती है, आपको ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिलता है, यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील मिलता है 18 इंच का और देख सकते हैं इसमें बीच में महिंद्रा का लोगो है वो थार की बेजिंग है, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लग रहा है। पीछे इसका जो लुक है वो काफ़ी बढ़िया हो जाता है। नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिलते हैं और रिफ्लेक्टर के ऊपर साइड आपको टेल लाइट मिलती है जो कि LED है और बीच में आपको यहाँ पर हेलोजन पार्किंग लैंप और हेलोजन इंडिकेटर मिलते हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरह से यह बजर करती है, आप इसको पार्किंग में कहीं भी ढूंढ सकते हैं। इस यहीं पर आपको स्पेयर व्हील के नीचे बम्पर पर आपको 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं और रिवर्स कैमरा मिलता है जो कि हमको बहुत ही हेल्प करते हैं पार्किंग के टाइम पर और यहाँ पर आप ऑटोमेटिक की बेजिंग देख सकते हैं। आइए देखते हैं इसके पीछे का जो बूट स्पेस है कितना है। यहाँ पर आपको कोई भी लैंप नहीं मिलता है, बूट लैंप और ना ही आपको हुक मिलते हैं, डिसेंट स्पेस है, आप यहाँ पर बैग और अपने सामान रख सकते हैं। थार के इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको 2.2 लीटर M-Hawk डीजल 4 सिलेंडर DI टर्बोचार्ज इंजन मिलता है जो कि 130 BHP की पावर जनरेट करता है 3700 RPM पर और टॉर्क 300 Nm का 1600 से 2800 RPM पर। और सेफ्टी की अगर बात करें तो इसमें आपको ABS, EBD, ESP, ब्रेक असिस्ट, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, रोल ओवर और 2 एयरबैग के साथ में आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर भी मिलता है। कि जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 57 लीटर की है और साथ में डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड उसमें 20 लीटर की आपको कैपेसिटी मिलती है। ब्रेक की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं और रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। इसमें आपको 6 कलर ऑप्शन मिलते हैं जिसमें नेबोली ब्लैक, रॉकी बेज, एक्वा मरीन, मिस्टिक कॉपर,
रेड रेज और गैलेक्सी ग्रे में आपको कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। थार के जो डायमेंशन है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, और महिंद्रा कंपनी का जो माइलेज क्लेम करती है वो 15.2 का क्लेम करती है। दोस्तों काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा जब मैंने थार को चलाया। ये थार का एलेक्स डीजल वेरिएंट है, ऑटोमेटिक फोर व्हील ड्राइव हार्ड टॉप के साथ में। बेसिक्स काफ़ी बढ़िया पिकअप है इसका, और जो इसकी परफॉर्मेंस है वो भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया लगी मुझे गाड़ी। दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर थार से जुड़ी हुई कोई भी डिटेल मुझसे मिस हुई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.